नमस्कार, वंदे भारत। भारत तक देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। पाकिस्तान की भारत ने जमकर लताड़ लगाई और ये लताड़ लगी है जिनेवा में। इन संयुक्त राष्ट्र में पूरे विश्व के सामने जिस तरीके से भारत ने मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर पाकिस्तान को लताड़ा, वो पूरी दुनिया ने देखा। जानकारी यह है कि पाकिस्तान में मानव अधिकार उल्लंघन में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। और आगे जो आंकड़े हम आपको बताएंगे, वो आपको भी हैरानी में डाल देगा। ऐसे में वो पाकिस्तान जो भारत को लेकर कई सवाल खड़े करता है और इसे ना जाने क्या क्या बना बुना कर पूरी दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश करता और खुद को साफ दिखाने की कोशिश करने वाला पाकिस्तान अब घिर गया है। और वैश्विक स्तर पर भारत ने उसे लेकर कैसे आईना दिखाया, उस पर आगे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी हमारे दर्शकों के लिए। 20 तक पर 1 फरवरी यानी कल से बजट कवरेज में आप जरूर जुड़िएगा। क्या सैलरीड लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट बढ़ाई जाएगी? आप अपनी राय हाँ या ना में दर्ज करवा सकते हैं प्रोबो पर, जो हमारे ओपिनियन पार्टनर हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। खैर, इन सब के बीच में क्योंकि पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है और पाकिस्तान में जिस तरीके से मानव अधिकार के आंकड़े में रिकॉर्ड गिरावट आई है, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इस बीच भारत ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए उसे हकीकत से रूबरू कराया। जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन के फर्स्ट सेक्रेटरी पवन भादे ने मानव अधिकार परिषद में पाकिस्तान पर बरसते हुए कहा कि पाकिस्तान में मानव अधिकार उल्लंघन मामले में रिकॉर्ड गिरावट आई है। परिषद को यह बताया गया कि पाकिस्तान में बीते कुछ सालों में शिया और हजार मुस्लिम सहित अल्पसंख्यकों पर हमले और उनका उत्पीड़न बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को एक बार फिर शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। भारत ने मानव अधिकार परिषद में पाकिस्तान में लगातार हो रहे मानव अधिकार उल्लंघनों को उजागर किया। जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन के फर्स्ट सेक्रेटरी पवन बादे ने कहा कि पाकिस्तान में मानव अधिकार उल्लंघन मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसे चिंता मानी जानी चाहिए। परिषद को भारत ने बताया कि पाकिस्तान में शिया, हजार मुस्लिम सहित अल्पसंख्यकों पर हमले और उनका उत्पीड़न बढ़ा है। We take note of Pakistan's national report. Since the last review, Pakistan's human rights record has deteriorated drastically. Minorities in Pakistan, including Muslim minorities like Shias, Hazaras and Ahmadiyya, have been subjected to sectarian violence and systemic persecution. People in regions such as Balochistan, Sindh and Khyber Pakhtunkhwa have continued to suffer political repression, persecution and denial of their rights. अभी हाल ही में ऐसे कई घटनाएं सामने आई हैं, सिख समुदाय के लोगों पर हमला, इसके अलावा हमने हिंदू महिला और इसके अलावा पुरुषों और बच्चों पर भी हमला होते हुए देखा था। हाल ही में एक मामला आपको याद होगा पाकिस्तान का, जहां पर एक महिला के साथ इस कदर बर्बरता की गई कि उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, शरीर को पूरी तरीके से छलनी कर दिया गया। और इन सब के बाद भी पाकिस्तान इस पूरे मामले को लेकर चुप रहा था। लेकिन भारत चुप नहीं बैठा, भारत ने हर एक मामले को दर्ज किया है और ये मामले दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में बर्बरता बढ़ रही है, चरम पर है और अल्पसंख्यक खतरे में है। पाकिस्तान में मानव अधिकारों की समीक्षा करते हुए फर्स्ट सेक्रेटरी ने कहा कि पाकिस्तान में मानव अधिकार रक्षकों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को निशाना बनाते हुए उनका एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि भारत चाहता है कि पाकिस्तान अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न, इस निंदा का दुरुपयोग, अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों का जबरन धर्मांतरण बंद करे। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का धर्मांतरण कराने का काम किया जाता है। अगर धर्मांतरण नहीं करते हैं तो जबरन अगवा कर लिया जाता है। परिवार वाले नहीं मानते हैं तो बेटियों को उठाकर उनका धर्मांतरण किया जाता है, उनसे जबरन शादी की जाती है। ऐसे कई मामले हैं जो रिकॉर्ड स्तर पर सामने आए हैं। संयुक्त राष्ट्र को भी इसकी जानकारी है, लेकिन हैरानी की बात है कि इसे लेकर ना तो पाकिस्तान की सरकार कुछ बोलती है और ना कुछ करती है। संयुक्त राष्ट्र भी इसे लेकर पाकिस्तान पर कुछ खास दबाव बना पाने में नाकामयाब साबित हुआ है। कैसी लगी रिपोर्ट, कमेंट करके आप जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।